हमारे कंट्री में नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते ही आपको होली के कई रीजनल डिपिक्शंस देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कि एक तरफ वृंदावन में बहुत प्यार से फूलों की होली खेली जाती है और दूसरी तरफ बरसाने में बैम्बू स्टिक्स के साथ लठमार होली खेली जाती है। लेकिन धधकती चिताओं के बीच महाशमशान पे होली खेलने का अड़भंगी अंदाज आपने कहीं नहीं देखा होगा। ऐसा सिर्फ काशी में होता है। काशी यानी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे भगवान शिव के भक्त महाशमशान पे जलने वाली डेड बॉडीज की राख से तैयार भस्म से होली खेलते हैं। इस ट्रेडिशन को चिता भस्म होली कहा जाता है और ये ट्रेडिशन 350 साल पुराना है। कहा जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव पार्वती माता को काशी लेकर आए थे। तब उन्होंने अपने गढ़ों के साथ रंग और गुलाल की होली खेली, लेकिन वो शमशान में रहने वाले भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व और किन्नर के साथ होली नहीं खेल पाए, तो भगवान शिव ने रंग भरी एकादशी के अगले दिन उन सबके साथ शमशान में होली खेली। इस दिन साधु संत और बाकी डिवोटीज ढोल मंजीरे और डमरुओं के थाप के बीच झूमते हैं और हर हर महादेव की आवाज से महाशमशान गूंजता है। भगवान शिव के डिवोटीज अपने अड़भंगी अंदाज में दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि काशी में जन्म और मृत्यु दोनों ही उत्सव है। इसीलिए मोक्ष नगरी काशी में होली के महापर्व को मनाने का अंदाज भी अलग।